ये व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इस्तांबुल के पैनारोमिक 1453 म्यूज़ियम में हूँ। अगर आप इस्तांबुल आएँ और अगर आप ये मिस कर जाएँ तो इसका मतलब है आपने एक बड़ा अच्छा आइटम जो है, बड़ी नॉलेजेबल जगह आपने मिस कर दी है। यहाँ आने से आपको ये पता चलता है कि किस तरह से सुल्तान महमद ने जो है एक हिसार कायम किया था और किस तरह से इसने कुस्तनतुनिया को फतह किया। मैं आपको थोड़ा सा इसका मनाजिर दिखाता हूँ। यहाँ बड़ी हकीकी अंदाज में मनाजिर कशी की गई है। आपको ऊपर वो झंडा बरदार बंदा भी नज़र आएगा जिसने ऊपर चढ़ के फाइनली झंडा लगाया और फतह का ऐलान किया था। ये खंदकें खोदी गईं, इसके साथ ये बड़ी उस वक्त की जो है बहुत बड़ी तोप थी, यानी कह लें कि जो दूर से ये बड़े बड़े गोले फेंकती थी, ये तोपें लेकर आए थे जिससे इन्होंने इसकी दीवारें तोड़ी। इस किले की तीन लेयर्स थीं मगर अल्लाह ने इन्हें फतह नसीब की और इन्होंने ये तीनों लेयर्स जो है वो तबाह बर्बाद कर दी। बड़ी अच्छी मंजरकशी की गई है यहाँ पर, यानी पूरा जो है वो आपको वाकया जो है आपके जहन में समझ में आ जाता है कि किस तरह से कार्रवाई हुई यहाँ। तो अगर आप आएँ यहाँ पर तो लबैक टूर्स को रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको सारी जगहों पे यहाँ घुमाएँगे फिराएँगे। इंशाल्लाह वी हैव इंतज़ाम फॉर अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।